सब्सक्राइब कीजिए YT भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लेटेस्ट वीडियो और वो भी बिल्कुल फ्री में। नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल YT भारत पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे अनोखी यात्रा पर लेकर के चलूँगा जो आपको विश्व भर में प्रसिद्ध एक ऐसे अद्भुत मंदिर के दर्शन करवाएगी जिसका आनंद आप पूरे जीवन भर उठाएंगे। और अगर आपने इस मंदिर का दर्शन अभी तक नहीं किया है तो इस मंदिर के दर्शन करने के लिए आप भारत की राजधानी दिल्ली में खिंचे चले आएंगे। मैं बात कर रहा हूँ स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर के बारे में। यह भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसरों में से एक है। यह मंदिर आधिकारिक तौर पर 6 नवंबर 2005 को देश और दुनिया के लोगों के लिए खोला गया। इसका इतिहास और तथ्य दिल्ली में पारंपरिक 10,000 वर्ष पुरानी भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और वास्तुकला को दर्शाता है। इसको ज्योतिर्धर स्वामी नारायण भगवान की स्मृति के रूप में बनाया गया है। यह करीब 100 एकड़ की जमीन पर फैला हुआ है। इस मंदिर को वास्तुशास्त्र और पंचरात्र शास्त्र के अनुसार बनाया गया है। इस मंदिर कॉम्प्लेक्स में अभिषेक मंडप, सहज आनंद वाटर शो और थीम गार्डन और 3 प्रदर्शनियां सहज आनंद दर्शन, नीलकंठ दर्शन और सांस्कृतिक दर्शन देखने को मिलते हैं। स्वामी नारायण में हिंदुओं के अनुसार अक्षरधाम का अर्थ भगवान के घर से है। दिल्ली में आने वाले 70% यात्रियों को अक्षरधाम मंदिर अत्यंत आकर्षित करता है। इस मंदिर का निर्माण कार्य 11,000 कारीगरों और हजारों BPS स्वयंसेवकों के विराट धार्मिक प्रयासों से केवल 5 वर्ष में ही पूरा कर लिया गया। यह मंदिर लगभग 83,342 वर्ग फुट की भूमि पर फैला हुआ है। इसमें 350 फुट लंबे, 315 फुट चौड़े और 141 फुट ऊंचे स्मारक हैं जो बहुत ही आकर्षक हैं। यह संरचना इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि यह मंदिर 1,000 सालों तक बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही खड़ा रह सकता है। आइए जान लेते हैं अक्षरधाम मंदिर के बारे में आश्चर्यजनक तथ्य। अक्षरधाम मंदिर में भारत के ऋषियों, साधुओं, आचार्यों और दिव्य अवतारों के 200 पत्थर की मूर्तियां शामिल हैं। इस मंदिर में 234 नक्काशीदार स्तंभ, 9 अलंकृत गुंबद, गजेंद्र पीठ और भारत के दिव्य महापुरुषों की 20,000 मूर्तियां शामिल हैं। अक्षरधाम मंदिर नारायण सरोवर से घिरा हुआ है जो कि एक झील और भारत में 151 झीलों के पानी से मिलकर के बनी हुई है। झील के पास 108 चेहरे गोमुख्य हैं जो 108 हिंदू देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और यहाँ राजस्थान से लाए गए विशेष रूप से लाल पत्थरों से बनी हुई 3,000 फीट लंबी परिक्रमा भी है जिसकी संरचना 2 मंजिलों जितनी है। इसमें 1,152 खंभे और 145 खिड़कियां हैं। यह परिक्रमा मंदिर के चारों तरफ एक सुंदर माला की तरह बनी हुई है। परिक्रमा में चलते समय इन 108 से पानी की सुखदायक आवाज भी सुनाई देती है। अक्षरधाम मंदिर में एक सुंदर बाग उद्यान भी है जिसे लोटस गार्डन के नाम से जाना जाता है। इसका नाम इसके आकार के कारण पड़ा है। ऊपर से इसे देखा जा सकता है। यह एक जलमग्न उद्यान में बड़े पत्थरों पर उत्कीर्ण शेक्सपियर, मार्टिन लूथर, स्वामी विवेकानंद और स्वामी नारायण जैसे महान दिग्गजों के
उद्धरणों से निर्मित कमल के समान दिखाई देता है। एक और दिलचस्प तथ्य अक्षरधाम मंदिर के बारे में यह है कि मंदिर में 10 गेट हैं, जो वैदिक साहित्य के अनुसार 10 प्रमुख दिशाओं का प्रतीक हैं, और यह द्वार दर्शाते हैं कि सभी दिशाओं से अच्छाई सदैव इस मंदिर में प्रवेश करती रहेगी। अक्षरधाम मंदिर में यज्ञ पुरुष कुंड भी है, जो दुनिया में सबसे बड़ा यज्ञ कुंड है। इसमें 108 छोटे तीर्थ हैं और किंड की ओर जाने वाले 2870 कदम भी हैं। यह शानदार और भव्य मंदिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह हासिल कर चुका है। 17 दिसंबर 2007 के दिन अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा अक्षरधाम मंदिर को विश्व में सबसे बड़ा व्यापक हिंदू मंदिर घोषित कर दिया गया। इस स्मारक के अंदर हिंदू तपस्वियों, साधुओं और आचार्यों की 20 प्रतिमाएं भी हैं। इसके आधार पर गजेंद्र पीठ स्थित है, जिसका निर्माण हिंदू संस्कृति और भारत के इतिहास में इसके महत्व को सम्मान देने के लिए बनाया गया है। इसके केंद्र गुंबद के नीचे 11 फुट ऊंचे स्वामीनारायण भगवान की प्रतिमा है, जिसके चारों ओर इस संप्रदाय के अन्य गुरुओं की प्रतिमाएं स्थित हैं। प्रत्येक मूर्ति हिंदू परंपरा के अनुसार 5 धातुओं से निर्मित की गई है। इस स्मारक के भीतर लक्ष्मी नारायण, शिव पार्वती, राधा कृष्ण और सीताराम सहित अन्य देवताओं की मूर्तियां हैं। परिसर के भीतर एक थिएटर भी है, जिसे नीलकंठ के रूप में जाना जाता है, और स्वामी नारायण के जीवन से होने वाली घटनाएं यहां पर रोबोट्स के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। इस मंदिर में रात्रि को चलने वाला विश्व का एक सबसे अद्भुत संगीतमय फव्वारा शो भी है। दर्शकों के लिए एक बड़ा आकर्षण का केंद्र इसे माना जाता है, जिसे सर्किल ऑफ लाइफ कहा जाता है। प्रत्येक शाम को 15 मिनट के लिए 2 बार यह शानदार प्रदर्शन होता है। यह शो जीवन के चक्र को दर्शाता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक सुंदर रंगीन फव्वारों के साथ सभी घटनाएं छोटे छोटे बालकों द्वारा प्रदर्शित की जाती है, और इसके साथ चलने वाला विशेष लेजर शो इस वाटर शो में अत्यंत सुंदरता प्रदान करता है। सांस्कृतिक विहार एक नाव की सवारी है, जो दर्शनार्थियों को प्राचीन काल इतिहास के माडल के देखने के लिए कराई जाती है। माडल प्राचीन भारतीयों के विश्वविद्यालयों, बाजारों और सभ्यता को प्रदर्शित करता है, और साथ ही भारत में जन्मे विशेष व्यक्तियों के योगदान को भी दर्शाता है। सभ्यता के महत्व को दर्शाने के लिए यह प्रयास उत्कर्ष है। दोस्तों, अक्षरधाम में घूमने के लिए आपके पास कई घंटे का समय होना चाहिए, लेकिन अक्षरधाम को भरपूर देखने के बाद भी कभी भी आपका दिल नहीं भरेगा। हाँ, घूमते घूमते थकान का एहसास जरूर होगा, क्योंकि इसका परिसर बहुत ही विशाल है, लेकिन अगर घूमते घूमते आप थक जाएं तो चिंता की कोई बात नहीं। यहाँ पवित्र कई जलपान गृह और आहार गृह भी उपलब्ध हैं। अजंता की अद्भुत कला सृष्टि के वातावरण को प्रस्तुत करता हुआ प्रेमवती आहार गृह यहाँ ऐसा ही भोजनालय है। इस विशाल आहार गृह में शुद्ध और ताजा भोजन के अलावा मधुर जलपान की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, और अक्षरधाम को देखते समय बार बार जिन चीज़ों से आपकी नज़र नहीं हटती, उन चीज़ों को खरीदने के लिए तथा भक्ति, पूजा और संस्कृति से संबंधित तमाम चीज़ों के लिए यहाँ अक्षरधाम हाट भी है, जहाँ विभिन्न प्रकार की संस्कार प्रेरक धार्मिक साहित्य,
भक्ति भाव दर्शाते ऑडियो वीडियो के प्रकाशन, व्यू कार्डर्स, स्मरणिकाएं, परिजनों और मित्रों को भेंट देने योग्य स्मृति चित्र, हर्बल कियर औषधियां, हवन तथा विभिन्न तरह की पूजन सामग्री आप यहां से खरीद के अपने घर ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप अक्षरधाम आने की तैयारी कर रहे होंगे। वाईटी भारत को देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।